मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर में। जैसे लग रहा है कि किसी का खून कर दिया यार। पाराई गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम लोग आज आए हैं ब्लॉग शूट करने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर में। गाइस हमारे इतना कहने के बाद आज हमारे ये रवि भाई के साथ हमारे रविंद्र भाई भी आए हैं ब्लॉग शूट करने। तो गाइस ये रहे हमारे रविंद्र भाई और ये हमारे बहुत कहने के बाद आज ये भी हमारे साथ ब्लॉग शूट करने आए हैं। और ये रहे हमारे रवि भाई। हेलो गाइस, और हम लोग आए हैं आज ब्लॉग शूट करने और आज देखते हैं कैसा क्या है, आगे देखते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग आए हैं मध्यपुर के रायपुर छोटे गांव में। और तो गाइस यहां का जो व्यू है बहुत अच्छा भी लग रहा है हमको देखने में। तो हमारे पंकज भाई हैं, उनसे मैंने कहा था कि भाई रविंद्र भाई को भी बुला लेना। तो भाई बहुत कहने के बाद हमारे रविंद्र भाई भी हमारे साथ आए हैं। हाय गाइस, और हमारे पंकज भाई पता नहीं क्या ये टोपी ले रखे हैं, शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइस आपको वीडियो के साथ बने रहिए, ये वीडियो बहुत भाकड़ होने वाली है। तो आप साथ में बने रहिए हमारे, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे गांव घर ऐसे बना रखे हैं। और आपको और दिखाते हैं कि यहाँ के पेड़ वेड़ कैसे हैं, यहाँ का देखिए आप सीन कैसा है। गाइस हम देख सकते हो कि हम जब हम रोड से आ रहे थे तो हमको ऐसा घर दिखा जो बहुत विचित्र रूप से अलग ही तरह के टावर सीन जैसा दिख रहा है। तो गाइस जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद हमको पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जब हम इस साइड आ रहे थे तो अभी आपको अंदर का दिखाते हैं कैसा क्या सीन है। तो आइए तो गाइस हम अंदर का सीन दिखाते हैं आपको कैसा है। तो गाइस ये देख सकते हो जो रायपुर का जो छोटा सा गांव का जो ये घर है ये बहुत अलग ही तरह का है। तो हम अंदर चलने वाले हैं, देखते हैं आपको क्या दिखता है। तो गाइस हम अंदर चलने वाले हैं, आप लोग देखो और हम लोग भी देखते हैं तो अंदर क्या से कैसे किया है, यहाँ के गाँव का जो घर है कैसा रहता है। यार रविंद्र भाई, पंकज भाई, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ भाई? अरे यार पता नहीं क्या अंदर गिरा, जो जाके देखो यार क्या गिरा, गिरा क्या गिरा यार, देखो तो अंदर क्या गिरा है, ये पता नहीं क्या गिरा यार। अभी आपको भी आवाज आई थी कि नहीं? हाँ भाई हमको आवाज आई थी, सुनाई नहीं थी भाई, नहीं दे रहा यार, पता नहीं क्या गिरा यार। तो गाइस जैसे हम अंदर आए देखे आपने कि हमारे जैसे दुर्घटना पता नहीं कैसे क्या घटी। और भाई अभी से मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे है ऐसा चीज जैसे आत्मा या कुछ है, आसाया वाया लग रहा है मुझको। तो गाइस हम जब इस साइड आ रहे थे पता नहीं कैसे ही हमको पता नहीं क्या दिखा। उसके बाद जब हम आगे आए उसके बाद जब ये देखी गाइस ये पता जैसे लग रहा है कि किसी का खून कर दिया यार। आत्महत्या कर दिए, इतना खून छपा हुआ है। तो गाइस पता नहीं इधर जैसे किसी ने लड़ाई या कुछ आत्महत्या का कुछ ऐसा स्किन लग रहा है मुझको तो। और इधर पूरा खून जैसा बना हुआ है और यही चीज आपको दूसरे वाले गड्ढे के इधर भी इस तरफ भी मिलेगी। आला से तंत्र मंत्र जैसे कुछ करने के लिए रखा जाता है, इसलिए रखा या कुछ और चीज के लिए रखा है मुझे मालूम नहीं। गाइस आप कमेंट रहिए वीडियो के एंड तक, आपको और आगे की चीज दिखाते हैं कि हमारे क्या साथ क्या दुर्घटना होती है या नहीं होती है। भाई वो जो जगह थी वहाँ पे हम गए थे तो भाई आपको पता ही होगा कि पता नहीं कैसे वो डर भी लग रहा था। तो हम उधर से इधर आ गए रोड पर जो मेन रोड है हमारा, और इधर कुछ अच्छा भी लग रहा है हमको।
तो गाइस चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ और आगे क्या क्या देखने को मिलता है। ये पंकज अरविंद भाई को तोड़ पता नहीं क्या हो गया यार, पंकज भाई बहुत परेशान है। कहाँ पर है यार वो पंकज भाई? बहुत बहुत परेशान, पता नहीं क्या करने गए थे वहाँ पे, वो एकदम गिरे पड़े हैं। चलो गाइस दिखाते हैं आपको, पता नहीं क्या हो गया हमारे दोस्त के साथ। भाई वो कहाँ पर है? चलो भाई दिखाओ यार, दिखाओ कहाँ पर क्या हो गया है यार, ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ यार। यार पता नहीं क्या हो गया, अरे यार चप्पलों पर कैसे पड़ी हो यार। अरे यार पता नहीं क्या हो गया भाई, यार देखता नहीं क्या हो गया यार, यार यार ये क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ यार। अब घर को यार क्या जवाब दूंगा यार, देख यार पता नहीं क्या हो गया यार, इधर कुछ दिख भी नहीं रहा यार। हाँ उधर ही तालाब है यार। तो गाइस अभी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बाकी वीडियो दिखाते हैं। अरविंद भाई जाओ यार जल्दी से पानी लेकर आओ यार, जल्दी यार जल्दी रहो यार, पता नहीं क्या हो गया हमारे दोस्त को यार। यार देख सकते हो गाइस यार पता नहीं कैसा हो गया यार, कई बार में चेहरा वेरा उतर गया यार। जल्दी लाओ यार पानी, लाओ जल्दी, लाओ यार जल्दी पानी, लाओ यार यार पानी मारो यार, पता नहीं क्या हो गया यार, पानी मार पानी मार भाई भाई। क्या हो गया भाई आपके साथ, क्या हो क्या आप क्या हुआ गया है आपको बताओ यार भाई। और एक व्हाइट कपड़ा में एक लड़की दिखी। क्या बात कर रहे हो? और मुझे ऐसे कोई आवाज, खतरनाक आवाज आई भयानक से, और मुझे ऐसा लगा कोई खींच के लेके गया मुझे। सच में भाई? हाँ भाई सच में, और मुझे जैसे खींच के ले गया, उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है भाई पंकज को उठाओ पहले, उठाओ यार अरविंद भाई उठाओ इसको, चप्पल वप्पल पहनाओ यार इसको, चप्पल पहनाओ चलो यार। तो भाई पता नहीं क्या हो गया, तो यार देख सकते हो गाइस मेरी कैब भी इधर पड़ी हुई है, पता नहीं मेरे साथ ही थी पर पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गई है। तो चलते हैं, आपको आगे की वीडियो के साथ बने रहिए, पता नहीं क्या होने वाला है। आओ भाई आओ आओ आराम से आओ, लेकर आओ उसको। आओ लेकर आओ भाई आराम से लेकर आओ यार, इधर इधर बैठाओ यार, इधर बैठाओ यहीं बैठाओ आराम से। भाई पंकज भाई आप बता सकते हो कि किस जगह आपने क्या देखा था? क्या देखा था? तो अरविंद भाई उस जगह उन्होंने हाथ हिलाया, तो चलो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि नहीं उधर चलते। हाँ देखते हैं यार, क्या चीज़ है? ठीक है भाई चलो चलो साथ में चलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई हमको तो बहुत डर लग रहा है, डर तो भाई बहुत भयानक लग रहा है, ऐसा स्कैम आज तक हमारे साथ हुआ ही नहीं था, हमारे दोस्त के साथ पता नहीं क्यों हो रहा है। पहली बार हुआ पंकज भाई के साथ, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था यही होता है घर ना। चलो देखते हैं क्या अंदर में क्या चीज है या नहीं। तो भाई यही घर है पता नहीं, यहीं से क्या कुछ निकला था क्या नहीं। अरे रवि भाई पता नहीं क्या यार हिल रहा है वहाँ पे, देख अरे यार हमको तो डर लग रहा है। वे भाई भाग 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 यार, निकल 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 निकल, पता नहीं क्या साया था क्या था पता नहीं। और उसको देखने के बाद तो मेरी यार आंखें वाखे एकदम बंद हो गई है पता नहीं। और हमारे जो रविंदर भाई उसी तरफ भाग के गए हैं, पता नहीं किस साइड गए हैं, उनको देखते हैं किधर है। उसके बाद पंकज के भाई चलते हैं आगे बने रहिए वीडियो के। तो पता नहीं कहाँ गए हैं यार रविंदर भाई, देखते हैं। अरे यार क्या हो गया यार, अरे यार पंकज के पास चलते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया यार उसको, क्या हो गया यार, जल्दी 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 यार चलो चलो यार चलो 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 चलो। ए पंकज भाई, पंकज भाई यार देखो यार अरविंद भाई को पता नहीं क्या हो गया यार, उधर उधर साया देखने के बाद पता नहीं क्या हो गया यार। रविंद्र भाई क्या हुआ? अरे रवि भाई पंकज भाई क्या हो गया था जब आप दौड़ के उधर गए थे, बताइए क्या हो गया था आपके साथ? आप और हम दोनों लोग
लोग जब आए थे यहाँ देखने के लिए ना, जब उन्होंने पंकज ने इशारा किया था उस घर में हम लोग देख रहे थे भाई, तब आए थे देखने, पता नहीं क्या था वहाँ पे उड़ रहा था, उसके बाद वहाँ से भागे तुरंत, पता नहीं क्या हुआ हमारा, उसके बाद हमको कुछ होश हवास नहीं था, बस उसे पड़े थे। कुछ मतलब कुछ हुआ था आपको, कुछ पकड़ा वकड़ा था क्या, कुछ हुआ था आपके साथ? अब पता नहीं भाई, उसने उतनी देर हम देखे, पता नहीं क्या हो गया, हमको कुछ मालूम नहीं है उसके बाद। तो चाहे जिस तरह से आप देख सकते हो कि जब ये ऐसे लेटे थे आप, इनको तो पता नहीं होगा, पर हमको, हमने देखा था तो जैसे लग रहा था कि रविंद्र भाई आप किसी ने गला दबाया था, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये बात पंकज भाई से भी पूछ सकते हो, तो पंकज भाई आपने भी देखा था कि नहीं कि वो उनको कोई गला दबा रहा था कि नहीं दबा रहा था? रविंद्र भाई ऐसे गला पकड़े थे आपका, किसी ने जैसे लग रहा था गला दबा रखा है? मुझे तो लगता है पहले से कि इधर रायपुर में मैंने सुना भी था कि इधर ऐसी अफवाह फैली गई है कि यहाँ पर अंत्यत जारी भूत रहते हैं जो दूसरे जहाँ से आए वाले लोगों को बहुत प्रकोप और परेशान भी करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे दोस्त के साथ ऐसे ही कुछ हुआ है जिससे इनको वो दोनों लोगों को पर ऐसे कठिनाई हुई है जिससे बहुत दिक्कत में हो गए हम, और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं, बने रहना वीडियो के साथ। तो गाइस जब हम निकले थे तो भाई बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन जब उनके रविंदर और पंकज के साथ जब घटना घटी उसके बाद से मौसम आप देख सकते हो कैसा हो गया है। पूरे काले बादल इधर पूरे मंडरा रहे हैं और इधर पूरा एकदम शांत हो गया है, बारिश भी होने वाली जैसे लग रहा है। अभी इधर से हम निकलते हैं यार, इधर शाम भी हो रही है पंकज भाई, तो अभी यार रूम भी ढूंढना होगा हमको। रूम की कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने पहले ही आप लोग के आने से पहले ही बुक कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, तो गाइस देख सकते हो कि पंकज भाई के ऊपर इतनी तकलीफ आई थी, पर उन्होंने पहले से हमारे लिए रूम देख रखा है। तो किस जगह पर है भाई? वो रहा रूम, वो जो दिख रहा है ना वही है रूम। दिखाते हैं आपको अभी रूम कैसा है गाइस। चलिए मैं दिखा रहा हूं, ये तो 2 किलोमीटर दूर पे है, तो दिखाते हैं अभी, यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा पास जाके दिखाते हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड। भाई पंकज बहुत धूप मतलब वो शाम हो गई है यार, दिख नहीं रहा यार। दिखा यार, बहुत दूर हो गए यार। ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर और है, ज्यादा से ज्यादा करीबन होगा आधा किलोमीटर। तो बने रहिए वीडियो के साथ गाइस, अब रूम पे पहुंचने के बाद ही आपसे वार्तालाप होगी, जो होगा हमारे साथ सीन आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना। रविंद्र भाई यार अब चला नहीं जाएगा यार, क्या करे यार, मैं तुमसे भी चला नहीं जा रहा है। सामने है रूम, आइए। क्या बात कर रहे हो? सामने है। यही है रूम वाला है? हाँ, यही है भाई रूम। इधर का आपको व्यू दिखाते हैं गाइस कैसा है इधर का, इधर रोड भी है और दिखाते हैं। यही रूम मिला यार पंकज भाई को, यार ऐसा रूम कौन ढूंढता है यार, तो बात करो जाके उनसे। अच्छा ये बात बताओ, आप बोलो ना भाई, अच्छा तुमको ये रूम मिला तो भाई रविंद्र भाई आपको इस रूम में खराबी क्या है? अरे देख नहीं रहे हो भाई, इधर यार रूम है, आगे देखो सामने पीपल का पेड़ है, तुमको कुछ दिख नहीं रहा? तो पीपल का पेड़ तो है। यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, लेकिन अब तो भाई रहना ही पड़ेगा क्योंकि बुक हो गया, रेंट भी करीबन 5,000 इसका रेंट पड़ा है, अब तो रहना ही पड़ेगा भाई। चलो ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं यार, अब तो रहना तो पड़ेगा ही भाई, अब तो रहना ही पड़ेगा। तो भाई अब चलते हैं, क्या कर सकते हैं, अब तो शाम भी हो रही है। हाँ रविंद्र भाई चलते हैं अब घर में, कुछ सामान भी लाना होगा खाने पीने का यार, बहुत भूख भी लगी है, आप लोगों को भी लगी होगी, तो चलो चलते हैं यार, साथ में चलते हैं, क्या होता है क्या देखते हैं। गाइस आपको घर का व्यू भी दिखा देते हैं कि क्या चीज है घर, जहाँ पे हमको आज पूरी रात गुजारनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, तो चलेंगे साथ में, व्यू देखते रहना, वीडियो के साथ बने रहना गाइस। आज देख सकते हो ये हमारे जो रविंदर भाई पंकज भाई दोनों पिक्चर खींच रहे हैं यहाँ के फोटो का, और आपका पीछे का भी बैकग्राउंड दिखाते हैं, वीडियो के साथ रहना बने। गाइस आप इधर का व्यू देख सकते हो कि पीछे का कैसा है, और इधर बहुत अच्छा भी अब लगने लगा है। A few moments later.
क्या हुआ रवि भाई को? भाई रवि भाई क्या हुआ? अरे यार जब मैं आपकी वीडियो शूट कर रहा था, जब पंकज भाई आप जब उधर पिक्चर ले रहे थे, तो पता नहीं कैसे पीछे से मेरे एक साय जैसे कुछ गया, उसके बाद तुरंत ही मेरे मतलब गर्दन पे ऐसे हाथ दड़ा जैसे आपके साथ हुआ था रविंद्र भाई। हाँ भाई हाँ, एकदम सेम मेरे साथ भी ऐसे गाइस हुआ और एक ही बार में मेरी आंखें बंद हो गई। उसके आगे मुझे मालूम नहीं मैं किधर कहाँ गिरा और कैसे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है। रवि भाई आप ठीक हो ना? हाँ अभी ठीक हूँ, तो चलते हैं अभी इधर से। हाँ ठीक है चलो 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 गाइस यहाँ से चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि हम तीनों लोगों के साथ कैसी कैसी घटना घटी है, और इस घटना को देखने से बाद हम तुरंत इधर से रूम खाली कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता भाई हम तीनों में से किसी के ऊपर जान पर कुछ हो जाए, तो इसी समय हम यहाँ से निकल रहे हैं। इस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर आपको अगला पार्ट देखना हो तो कमेंट जरूर करना। तो अभी तक के लिए बाय। It's caught in the crossfire.